हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंटरटेनमेंट ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट्स, एज इन माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर यू वेल अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ गोलू ग्रोज अ नोज फ्रॉम एलियन हैंडबुक ग्रेड 7 सीबीएसई। नाउ टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द स्टोरी। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। He gets the python's help when he needs it most. Golu grows a long and useful nose. Golu moved on, eating sugar cans, bananas and melons. अब गोलू जो है आगे बढ़ता जा रहा था, चलता जा रहा था और गन्ने भी खा रहा था, केले भी और खरबूजे भी खाता जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo River. अब कुछ दिनों बाद finally गोलू किनारे पे पहुंच गया। कहां पर? किसके किनारे पे? Limpopo River के। On the bank of the river, he saw a log of wood. और जो वहां पर पहुंचा जैसे ही, तो उसने नदी के किनारे बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम। अब उसे लगा यही क्रोकोडाइल है जिसने मेरी तरफ देखा है और आंख हिलाई है। एक्सक्यूज मी, सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। उसने उससे पूछा, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है? द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। और क्रोकोडाइल ने भी फिर से पलक झपकाई, जैसे पहले करी थी ना विंग, क्या ने आंखें झपकाना, और अपनी जो टेल थी जो आधी मिट्टी में थी उसे उठाई और हिलाया। कम हियर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल ने कहा, अच्छा इधर आओ मेरे पास। Why do you ask such questions? तुम ये बताओ, तुम ये सब सवाल क्यों पूछते हो? ऐसा क्रोकोडाइल ने गोलू से कहा। I want to know, मैं ये जानना चाहता हूँ तुम सवाल, मतलब ऐसे questions क्यों पूछते हो? Come close little one, for I am the crocodile. मेरे पास आओ, डरो मत, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। क्योंकि गोलू जो था वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डर भी रहा था। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। और इसीलिए उसने मगरमच्छ वाले आंसू निकालना शुरू कर दिए ताकि पता चले गोलू को कि मैं ही मगरमच्छ हूँ, मतलब जो क्रोकोडाइल था। अब गोलू उसके पास नहीं जा रहा था तो उसने मगरमच्छ के आंसू निकालना शुरू किए। गोलू वॉज अफ्रेड। अब जो गोलू था वो थोड़ा सा डरने लगा, उसे घबराहट होने लगी। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, You are the very person I was looking for. फिर भी नदी किनारे गोलू था वो बैठ गया और फिर उसने पूछा कि आप ही वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। Please tell me what you have for dinner. और अब आप मुझे ये बता ही दो कि आप डिनर में क्या खाते हो। Come here little one and I will whisper the answer. Do you, said the crocodile. अब जो क्रोकोडाइल था उसने कहा, मेरे पास आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ, विस्पर करता हूँ मतलब खुसफुसाना, बताता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ डिनर में। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। अब गोलू ने जैसे ही अपना मुंह नीचे किया और क्रोकोडाइल ने स्नाउट जो होता है मतलब मुंह के पास रखा, तो अचानक क्रोकोडाइल ने गोलू की जो नाक थी, बल्जी नोज थी उभरी हुई, उसको अचानक से पकड़ लिया। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी, मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। अब गोलू चिल्लाने लगा जोर जोर से,
कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो मिस्टर क्रोकोडाइल। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड। अब जो पाइथन था, पाइथन मतलब अजगर था, वो गोलू बेबी एलिफेंट के पीछे पीछे आ रहा था। उसका पीछा करते करते वो भी कहाँ तक आ गया था, लिम्पोपो रिवर के किनारे पर आ गया था। उसने कहा, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम। उसने कहा, अगर तुमने तुम्हारी नोज नाक जोर से नहीं खींची तो क्रोकोडाइल जो है वो तुम्हें नदी में खींच के ले जाएगा अपने साथ। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड। अब गोलू अपने छोटे छोटे पैरों पे बैठ के अपने आप को जोर जोर से खींचने लगा। द क्रोकोडाइल slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled. Crocodile भी धीरे धीरे पानी में उतरने लग गया। अपनी टेल को हिलाता हुआ, मिट्टी को चिकना करता हुआ वो धीरे धीरे खिसकने लगा, और गोलू भी अपनी तरफ से जोर जोर से क्या कर रहा था, खींच रहा था। Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." अब जो python था वो गोलू के stomach पेट के चारों तरफ लिपट गया body पे और कहा, चलो और जोर जोर से खींचते हैं। गोलू dug in all his four legs in the mud and pulled. अब गोलू ने अपने चारों ओर चारों जो पैर थे वो मिट्टी में फंसा दिए और जोर जोर से क्या करा, खींचने लगा। द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, नोज जो थी वो खींचती चली जा रही थी। एट ईच पुल द नोज ग्रूव लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। अब गोलू जितनी बार खींच रहा था, जोर जोर से दम लगा रहा था, उतनी बार जो नोज उसकी, जो नाक थी, बल्जी नोज थी, वो क्या हो रही थी, लंबी होती जा रही थी और गोलू को बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। अब गोलू की नाक आपको पता है खींचते खींचते कितनी लंबी हो गई, इट्स 5 feet लंबी हो गई और फाइनली वो एक बार छूट गई। गोलू सेट डाउन विथ हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। अब गोलू जो है इतना ज्यादा थक गया था कि वो लिम्पोपो रिवर के किनारे बैठ गया और उसने उसकी जो नाक जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसने क्या करा, एक बड़ी सी बनाना लीफ ली, केले का पत्ता लिया और उसको अपनी नोज को चारों तरफ से रैप कर लिया और रैप करके क्या करा, उसने लिम्पोपो रिवर में डाला ताकि उसकी जो नोज है उसको वहाँ पे क्या मिले, ठंडक मिले। गोलू सैट देयर फॉर 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. अब आपको पता है गोलू वहाँ 2 दिन तक बैठा रहा और वेट इंतजार करता रहा कि जो नाक है उसको ठंडक मिलेगी और वो श्रिंक हो जाएगी, इट मीन सुकुड़ जाएगी, मतलब पहले जैसी छोटी हो जाएगी। इट ग्रू कूल बट इट didn't shrink. अब जो नोज थी उसको बहुत ठंडक तो मिल गई, रिलैक्स भी हो गया, दर्द नहीं हो रहा था, बट वो श्रिंक नहीं हुई, सिकुड़ी नहीं, मतलब छोटी नहीं हुई, वो लंबी की लंबी ही थी। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई कैम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। अब दूसरे दिन क्या हुआ, जब वो 2 दिन तक लिम्पोपो रिवर पर बैठा रहा, अचानक दूसरे दिन क्या हुआ, गोलू बैठा हुआ था तभी वहां पे फ्लाई मधुमक्खी आई और गोलू के शोल्डर मतलब कंधे पे उसको जोर से क्या किया, काट लिया। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज। अब गोलू ने क्या करा, गोलू ने देखा कि मक्खी बैठ गई है तो उसने अपनी लॉन्ग नोज से उसको हिट किया, जिससे क्या होता है, मधुमक्खी मर जाती है। एडवांटेज नंबर 1 हिज्ड द पाइथन, You could not
have done it with a small nose. Try and eat a little now. अब पाइथन जो था उसने कहा, वाह ये तो एडवांटेज है, मतलब फायदा है। तुम्हारी छोटी नाक थी तो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे। अगर तुम्हारे शोल्डर पे मधुमक्खी बैठ जाती और छोटी नाक होती तो क्या तुम उसको हिट कर पाते? क्या नहीं कर पाते। चलो ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, एक बार खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रास। अब गोलू ने क्या करा, ग्रास में अपनी सूंड डाली और एक साथ एक बार में बहुत सारा घास का गुच्छा लिया। He dusted it against his four legs and stuffed it into his mouth. और उसने क्या किया, अपने पैरों से उसको झाड़ा, मतलब साफ किया, जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाए, और अपने मुंह में डाला। एडवांटेज नंबर टू, हिस्ट द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। और उन्होंने कहा, सेकेंड एडवांटेज देखो, अगर अभी तक तुम्हारी जो नोज है वो स्मॉल होती तो तुम क्या होता, घास नहीं खींच पाते, ये फायदा तुम्हें नहीं होता। तो देखो कितना अच्छा फायदा है, तुम्हारी नोज अब लंबी हो गई है और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। अब गोलू ने क्या किया, नदी किनारे से थोड़ी सी मिट्टी अपनी ट्रंक से खींची और अपने सर पर रख ली। क्यों रखी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। एडवांटेज नंबर थ्री, हिस्ट द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज। अब पाइथन ने कहा कि ये थर्ड एडवांटेज है, मतलब तीसरा फायदा है, ये भी तुम नहीं कर पाते इफ अगर तुम्हारी नाक नोज जो है अगर छोटी होती तो तुम नहीं कर पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेम्बर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। गोलू ने कहा, थैंक यू मिस्टर पाइथन, मैं अब ये सारी बातें बहुत अच्छे से ध्यान में रखूंगा, अब मैं जो हूँ अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, होप यू लाइक्ड द स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।